ओके सो वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्चुअली दोज थिंग्स वेयर वी वर ऑलरेडी स्टडीड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 8 ओके सो अगेन रिपीटेशन इट वॉज बट फिर भी थोड़ा बहुत से एडिशनल थिंग वी आर गोइंग टू सी टूडे ओके अदरवाइज जो हमने देखा था वो तो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन क्लास 8 सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर फास्टली अगर हम बोल दें तो क्या है वो हार्ड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉवर और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जल्दी मेल्ट नहीं होता लस्ट्रियस होते हैं दिखने में ऐसे चमकते हैं सोनोरस होते हैं अब जैसे बजाओ तो आवाज मेलिएबल होते हैं मतलब कि उसको थिन शीट्स शीट्स थिन शीट्स बना सकते हैं पतरे बोलते हैं ना हम ओके शेडेड वाले सो वो मेलिएबल डक्टाइल होते हैं उनको मोड़ सकते हैं वायर्स बना सकते हैं तो और से इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर्स होते हैं ओके हीट को भी पास करने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं These are the properties of metals. और इसके opposite जितनी भी है सारी की सारी properties of non-metals. So वो ये हमने discuss किया था properties of metals. वहाँ बैठ जाओ वहाँ या यहाँ क्योंकि फिर अभी कोई वापस आएगा तो हम सो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड जो उसके opposite है वो सारी किसकी है नॉन मेटल्स those things we have seen. अब बात हमें करनी है exceptions. These we have not studied in class 8. ओके ये इम्पोर्टेंट है नॉट एज अ थियरी ऑफ 2 mark 3 mark बट से इन 1 mark क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछी जाती है तो स्टार्ट करते हैं पहला एक्सेप्शन मर्क्यूरी अ मेटल मर्क्यूरी क्या है मेटल है सो हमने बोला कि रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे मेजोरिटी ऑफ मेटल आर इन सॉलिड स्टेट बट मर्क्यूरी ऐसा एक्सेप्शन है जो है तो मेटल लेकिन रूम टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री और से 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 bar प्रेशर स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक कंडीशन ओके उस पर मर्क्यूरी क्या होता है लिक्विड होता है वो तो मेटल है सॉलिड होना चाहिए लेकिन सॉलिड नहीं है मेटल है तो ये एक एक्सेप्शन है सेकेंड गैलियम एंड केजियम भी बोलते हैं उसे और सीजियम भी बोलते हैं व्हाट एवर यू चूज ओके मैं सीजियम बोलूंगा सो गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स हमने देखा कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं हाई होते हैं लेकिन ये एक्सेप्शन है गैलियम एंड सीजियम आर हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि कम टेम्परेचर पे मेल्ट सॉलिड से क्या हो जाएंगे लिक्विड बन जाएंगे एक एक मार्क में ये इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है अगेन ये जो नोट्स है दीज नोट्स आर वेरी यूजफुल बिफोर 1 day ऑफ योर एग्जाम ओके स्कूल हो या बोर्ड की एग्जाम सो आई विल सेंड ऑल दीज नोट्स मे बी बाई टूमोरो आई विल सेंड दिस ये चैप्टर की ये नोट्स जो हम कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं वो मैं तुम्हें भेजूंगा देन जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर की भी अगर तुम्हें नोट्स चाहिए वो तो स्कैन कॉपी ही है वो हमारी जो बुक है डाइजेस्ट है उसकी सो अगर वो भी चाहिए तुम्हें तो वो भी भेज दूंगा बट ये तो भेज ही दूंगा ओके सो दैट तुम्हें वापस वीडियो नहीं देखना पड़ेगा अगर तुम एबसेंट हो तो देखना पड़ेगा बट अगर प्रेजेंट हो रिवाइज करना है फटाफट सो से ये नोट्स है सपोज 5-6 पेजेस में पूरा चैप्टर खत्म तो वो 5-6 पेजेस अगर तुमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए है कल एग्जाम है और अभी पढ़ना है रिवाइज करना है तो ये 5-6 पेजेस में जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू दी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का ही है कुछ नया नहीं लिया हुआ आओ यहाँ बैठो एनसीईआरटी का ही है कुछ अलग नहीं है बट थोड़ा मैटर ऐसे रखा हुआ है देखना आराम से मैटर ऐसे रखा हुआ है कि तुम्हें डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट सब मिल जाएगा ओके चलो सो पहला तो था सॉलिड और लिक्विड का दूसरा पॉइंट था हमारा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का थर्ड पॉइंट कि जो आयोडीन है वो नॉन मेटल है लेकिन वो लस्ट्रियस है ओके हमने क्या बोला मेटल लस्ट्रियस है लेकिन ये आयोडीन नॉन मेटल होके भी लस्ट्रियस है ओके सो दैट इज देयर देन से लीड एंड मर्क्यूरी मेटल्स वो लोग मेटल है बट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हमने बोला कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी बट यहां पर लीड
दैट इज उसकी साइन क्या है लीड की पीबी वेरी गुड लीड एंड मर्क्यूरी की साइन एमजी ओके सो लीड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट मेटल होने के बावजूद एक्सेप्शंस अगेन देन डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन देखो एलोट्रोप मतलब अ फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ओके जैसे कि भाई मिल्क है तो मिल्क में से बन गया पनीर दही बटर मिल्क वो सब कुछ चीज भी सब मिल गया बट मेन क्या है हमारा दूध ओके लाइक दैट तो वैसे ही कार्बन हमारा मेन एलिमेंट है उसमें से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है वो उसके क्या है एलोट्रॉप्स है उसके फॉर्म्स है वो फॉर्म्स को क्या बोलते हैं हम एलोट्रॉप्स थोड़ा वर्ड भारी है लेकिन मीनिंग सिंपल है उसका फॉर्म है दैट्स इट वन फॉर्म ओके सो डायमंड का एक एलोट्रॉप है वैसे दूसरा एलोट्रॉप कौन सा है जनरली ग्रेफाइट यस तो कार्बन ही है ग्रेफाइट मतलब कार्बन ओके तो वो कार्बन ही है लेकिन उसका एलोट्रॉप है तो हम पहले डायमंड की बात करते हैं एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन तो भाई सबसे हार्डेस्ट कोई चीज हो अभी हम कंसिडर करें तो हम क्या कंसिडर करते हैं डायमंड डायमंड कटिंग भी हम यूज करते हैं कोई चीज को तुम्हें काटना हो काटना मतलब छोटी मोटी चीजें तो हम वो हेक्सो ब्लेड और कटर से काट देंगे लेकिन ऐसी चीज जो कटर भी ना काट सके मतलब ऐसा समझो आयरन है आयरन को भी अगर तुम वैसे अच्छा वाला कटर लो ना तो फिटिंग और वो हम अगर तुम कॉलेज में गए पर्टिकुलरली तो वर्कशॉप जैसा सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप ओके तो उसमें ये सब करवाया जाता है तो पहले ही ईयर में करवाया जाता है डिप्लोमा करोगे तो भी और कॉलेज करोगे पर्टिकुलरली साइंस के बाद तो ओके ये करवाया जाता है सो अगर वुड का तुम ये काम काज सब कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कारपेंट्री तो मतलब वुड को काटना उसको शेप देना अच्छे से मैं जब कॉलेज में था ना तो हमको हमारे पास है ना वुड के डस्टर बनवाते थे कि प्रैक्टिस भी हो जाए और एट द सेम टाइम तुम्हारा काम भी हो जाए ओके तो मतलब डस्टर बनवा दी शेप बना दिया डस्टर का तो डस्टर का शेप ऐसे काट काट के बना दिया अब उसके ऊपर सिर्फ वो लगा देंगे स्पॉन्ज बन गया डस्टर बॉर्डर अप करने के लिए ओके सो वैसी ही चीजें जनरली बनाते जो यूजफुल हो जाए तो वुड का वो बनाते थे देन से आयरन का जो करते हैं ना उसको बोलते हैं फिटिंग FITING ओके फिटिंग तो उसको क्या बोलते हैं वुड वाला कारपेंट्री उसका शेप देना कट करना एंड ऑल आयरन का करेंगे उसको बोलेंगे फिटिंग ओके तो वही सेम चीज है शेप देना कट करना देन किसी को हम वो लुहारी काम करते हैं ना हम लुहार मतलब एक आयरन है सपोज ये आयरन है अभी कोई चेयर बिगड़ गई अब उसका ये डंडा है ऐसे लेकिन अब मुझे ऐसे सीधा कर देना है और उसको मुझे ऐसे कर्टेंस लगा देना है गर्मी लगे तो फैन ऑन कर देना कर्टेंस लगा देना है कर्टेंस का डंडा ओके तो ये मुड़ा हुआ है इसको ऐसे सीधे करेंगे तो शायद सीधा ना हो और सीधा करते करते शायद टूट जाए तो करेंगे क्या फिर हम उसको गर्म करेंगे हीट देंगे तो वहां से वो अब बेंड हो सकता है हीट देंगे तो हीट नहीं देंगे तो थोड़ा बहुत बेंड होगा फिर हम सिर्फ मूवी में देखते हैं कि ऐसा करके बेंड कर दिया लेकिन नहीं बेंड होगा ओके ठीक है सो दैट इज द थिंग उसको वो लुहारी काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है स्मिथी ओके स्मिथी सो हाँ यस ओके सो कारपेंट्री एक होता है कारपेंट्री एक होता है फिटिंग और एक होता है स्मिथी तीन चीजें जनरली वर्कशॉप में करवाते हैं ओके अब आते हैं वापस हमारा तो जो चीज कटती नहीं है उसको भी काटने के लिए हम क्या यूज करते हैं डायमंड कटर मतलब ये जो कटर है जैसे ये पेन है तो पेन के नीचे हम बोलते हैं बॉल है तो हम बोल दिया बॉल पेन ओके सपोज इंक वाली आइटम है मतलब से सब्सटेंस है तो हम क्या बोल देंगे कि इंक पेन ओके सो लाइक दैट चलो जल्दी 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 थोड़ा ऐसे फटाफट ओके सो इंक हो तो हम बोल देंगे इंक पेन बॉल हो तो बॉल पेन वैसे ऐसा समझो यहाँ पर डायमंड है ओके तो नहीं ऐसे यहाँ पर डायमंड हो तो डायमंड स्टडेड पेन ऐसा नहीं बोलते हम डायमंड स्टडेड पेन मतलब पार्कर की आती है ऐसी ओके डायमंड स्टडेड मतलब उसके ऊपर ऐसे नहीं वो वाले डायमंड नहीं बट थोड़े नकली ओके पूरे नकली ओके फिर वैसे गोल्ड प्लेटेड पेन भी होती है आज ही मैंने देखी थी मतलब टीवी में मतलब लैपटॉप में ओके गोल्ड प्लेटेड तो सिर्फ प्लेट होता है ओके उसको बेचने जाओगे तो वो पेन के पैसे ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा ओके सिर्फ गोल्ड का प्लेट जैसे कि हम काजू कतरी खाते तो ऊपर सिल्वर प्लेटेड कर देते हैं वैसे ओके हाँ गोल्ड प्लेटेड भी आती है अब तो ओके लाइक दैट सो इतना हार्ड सब्सटेंस है मतलब देखो कार्बन
अभी कार्बन का कहने, ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? यहाँ एक्सेप्शन क्या है भाई? हाँ, डायमंड यूज होता है। एक्सेप्शन यहाँ पे है कि कार्बन का एक फॉर्म, कार्बन है क्या, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल है, मैंने अभी बोला था एसिड बेस और सॉल्ट्स में और फर्स्ट चैप्टर के रिविजन में। नॉन मेटल कौन कौन से है सॉलिड, तुम्हें याद रखने हो? कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, तीन याद रखना, ठीक है? भूल मत जाना, बहुत सारे हैं लेकिन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन याद रख लेना। कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये नॉन मेटल है, और दूसरे सारे गैसेस, सारे गैसेस नॉन मेटल है। तो जो हम करते थे केमिकल बैलेंसिंग, इक्वेशन बैलेंसिंग, तो कैसे करते थे हम? मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वैसे बैलेंस करोगे तो जल्दी बैलेंस हो जाएगा। फिर दूसरी एक दो मेथड भी हमने देखी थी, एबीसीडी वाले एंड ऑल। ओके, सो कहाँ गए हम? यहाँ। तो कार्बन का ये एक फॉर्म है, अभी हमने बोला कार्बन नॉन मेटल है। नॉन मेटल है मतलब क्या है, वो सॉफ्ट है, क्योंकि मेटल कौन होते हैं? हार्ड होते हैं। तो ये तो डायमंड भाई हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कोई चीज हो अगर हमारे पास नोन, तो हम बोल रहे हैं डायमंड भाई, वो तो नॉन मेटल का फॉर्म है, तो इतना हार्डेस्ट कैसे हो गया? हो गया ना एक्सेप्शन। ओके, देन दूसरा, एंड एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो वो तो ठीक है, वो तो मेटल की ही है, लेकिन हार्ड है वो नॉन मेटल होके भी, मतलब देखो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो वो भी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स, हार्ड है वो भी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो है खुद क्या? नॉन मेटल का एलोट्रॉप है। ओके, देन सेकेंड, दूसरा ही कार्बन का ही एलोट्रॉप, दैट इज ग्रेफाइट, एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, हमारे जो पेंसिल सेल, जो रिमोट के पीछे, सबके पीछे जो लगते हैं सेल, ओके, जिसे हम बैटरी बोलते हैं जनरली, तो वो उसके अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट भरा हुआ होता है, अंदर जो रॉड होता है ना, जिसपे ऐसे वो ऐसे प्लस और माइनस साइन होता है, ऊपर का जो डंडी होता है जहां पर हम उसको टच करते हैं, इलेक्ट्रोड जिसे हम बोलते हैं, तो उसके बीचों बीच, जैसे हम वो धूप नहीं थे, धूप जला दे हो ना तुम, तो वो कितनी पतली सी धूप होती है। ओके, वो स्टैंड भी था यहाँ पर सर, पेंसिल, हाँ पेंसिल में भी वही होता है। ओके, सो इतना ऐसे लाइक दैट, उतना पतला सा रॉड होता है पेंसिल में भी। अभी पेंसिल में कौन सा, जो ब्लैक कलर का है, दैट इज ग्रेफाइट। ओके, बट वो पूरा एक सिंपल छोटा सा रॉड है, एकदम छोटा है, हाँ वो पॉइंट वाली पेंसिल, लीड पेंसिल जिसे हम बोलते हैं, दैट इज ग्रेफाइट, उतना ही होता है। ये पेंसिल में भी उतनी ही होती है, लगती कितनी बड़ी है, क्योंकि मटेरियल वुड से कवर की गई है। ओके, सो अगेन, ये इसका एक्सेप्शन क्या है, सांस लेके बोलो, अच्छा हाँ, तो इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि भाई ये तो नॉन कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से कंडक्टर कंडक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई। ये नॉन मेटल होके भी हम तो इसका यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का वेरी वेरी गुड, सिर्फ गुड नहीं, वेरी वेरी गुड कंडक्टर है। हो गया एक्सेप्शन कॉपर से? हाँ हाँ हाँ, नहीं, कॉपर तो मेटल है ना, नॉन मेटल के केस में बात कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट, अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स मतलब क्या, जो हमारा ग्रुप वन और ग्रुप ऐसे ग्रुप टू को अल्कली अर्धन मेटल्स बोलते हैं, अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्धन मेटल्स, लेकिन फिर भी अल्कली मेटल्स बोले तो दोनों आ जाते हैं। ओके, कौन कौन से? एक तो वो पहला वाला, लीना की रब से फरियाद। ओके, सो लिथियम, लीना की रब से फरियाद। ओके, वो सब इलेवेंथ में आएगा, अभी याद करने की जरूरत नहीं, अभी भी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके, सो लीना की रब से फरियाद। ओके, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। मैं इसको भी सीजियम बोल रहा हूँ, तो उसको मैं कैल्शियम भी बोलूंगा, क्योंकि मैं इसको सीजियम, ये तो सीजियम ही है, तो उसको मैं कैल्शियम ही बोलूंगा। ओके, सो से समझ में आया, डन। ओके, सो ये नहीं, ये जो है ना वो यही है, सही बोल रहा हूं मैं, ये जो है कैल्शियम वो यही है उसका शॉर्ट फॉर्म। ओके, डन। हाँ, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन ठीक समझ में आ गया। ओके, सो ये थी हमारे मेटल्स। इसके बाजू में दूसरा ग्रुप है, वो कौन सा है? बेटो मांगे कार। ओके, सो बेटो मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ओके, सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये जो दो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, जो चैप्टर तुम्हारा निकल गया है, हाँ तुम पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बुक में है, नई बुक में तो है ही नहीं, चैप्टर ही निकल गया है।
ओके सो तुम्हारी बुक में तो पीरियोडिक टेबल भी है अभी क्योंकि तुम पुरानी बुक यूज कर रहे हो, हम लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बट नई बुक में तो पीरियोडिक टेबल है ही नहीं, है ही नहीं। अब बच्चों को पता ही नहीं चलेगा टेंथ तक कि ये क्या है भाई, कौन सा टेबल क्या। ओके कोई बात नहीं, चलो समझ में आया। सो क्या बोल रहे हैं कि ये जो अल्केली मेटल्स है, मेटल्स मेटल्स मतलब अगेन हमने बोला हार्ड होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली जो अल्केली मेटल्स होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि तुम चाकू से काट भी सकते हो। ओके लाइक दैट, ऐसे पीस कर सकते हो, जैसे पनीर को ऐसे काटा तो ऐसे दो पीस हो गया, वैसे ही व्हाइट कलर का सोडियम तुमने दे दिया, ऐसे तुमने चाकू से काट दिया तो दो पीस हो गया, लाइक दैट। तो देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम ओके आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ एंड दे हैव लो कट विथ द नाइफ फुल स्टॉप दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। देखो मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, मेटल है तो हाई होने चाहिए, लेकिन लो डेंसिटी है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या, डेंसिटी लो है इसीलिए तो थोड़े सॉफ्ट भी है okay, क्योंकि जो हार्ड होते हैं ना वो डेंसिटी ज्यादा होती है उनकी, सो डेंसिटी लो है एंड एट द सेम टाइम क्या है उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हाई होने चाहिए कंसिडरिंग दे आर मेटल बट लो है। डन, याद रह गया ओके okay, एक बार मार लो रिकैप। देखो वैसे तुम याद ना रखो तो जैसे हमने प्रॉपर्टीज याद रखी है उसमें याद रख लो ना, जैसे कह रहे पहली प्रॉपर्टीज हम बोले कि दे आर लस्ट्रियस ओके दे आर लस्ट्रियस कौन मेटल, तो हम बोल देंगे आयोडीन नॉन मेटल है फिर भी लस्ट्रियस है, बन गया क्या के साथ एक एक्सेप्शन का एग्जांपल ओके। फिर दूसरा बोला दे आर हार्ड कौन मेटल, मेटल आर हार्ड, तो मेटल हार्ड है तो हम बोलते हैं कार्बन का एलोट्रोप डायमंड तो कार्बन तो नॉन मेटल है वो तो हार्डेस्ट है। डन, हो गया एक्सेप्शन। दूसरा तो ये ग्रेफाइट का हम दूसरे पॉइंट में लेंगे, तो ये हार्ड वाला भी हो गया। देन जनरली दे आर एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर कौन मेटल्स, तो यहां पर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी भी मेटल है लेकिन वो क्या है लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, हो गया एक्सेप्शन। देन डक्टिलिटी का हमने कुछ नहीं देखा, देन से मैलेबिलिटी का कुछ नहीं देखा, देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर, सो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बाकी है ओके। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं किसके, मेटल्स के। गैलियम एंड सीजियम आर मेटल्स बट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। डन, देन हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की बात करते हैं। So, heat के कंडक्टर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो लेड एंड मर्क्यूरी मेटल्स है लेकिन पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। देन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें सो नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बट ग्रेफाइट एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हो गए सारे एक्सेप्शन, समझ में आया। तो वही प्रॉपर्टी याद रखी तो वो प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन बोल लो कि भाई सॉलिड होते हैं मेटल्स एट रूम टेम्परेचर, तो कौन सा है वो एक्सेप्शन। चलो ये मैंने ऐसे कर दिया, अब बताओ पहला लस्टर तो उसके अकॉर्डिंगली बताओ कौन सा है एक्सेप्शन, आयोडीन जो नॉन मेटल है फिर भी लस्ट्रियस है, हाँ फिर सॉलिड होते हैं तो नहीं 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 वो मैं एक ही मिनट, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर कौन मेटल्स, तो एक्सेप्शन क्या है इसमें मर्क्यूरी एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और लास्ट वाला जो अभी मैं नहीं बोला लास्ट वाला लिथियम सोडियम पोटेशियम दे आर मेटल्स बट इतने सॉफ्ट है कि काट सकते हैं उनको नाइफ से। डन, हाँ लो डेंसिटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। अच्छा देन हार्ड, हार्ड के लिए डायमंड वाला केस, हार्ड के लिए क्या बोल देंगे हम डायमंड का केस ओके, और डायमंड में भी वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी वेरी हाई बट वो तो नॉन मेटल तो लो होना चाहिए, अगेन एक्सेप्शन ओके। देन हाई मेल्टिंग पॉइंट तो उसमें कौन कौन आएंगे, हाई मेल्टिंग
हाई मेल्टिंग पॉइंट है मेटल की, तो अभी एक्सेप्शन क्या है इसमें? करेक्ट, ओके, सो गैलियम एंड सीजियम भी है कौन मेटल, लेकिन होने चाहिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन मेटल जैसी है, मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है. ओके नेक्स्ट, मैलेबिलिटी में कुछ नहीं, डक्टिलिटी में कुछ नहीं. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ग्रेफाइट, नहीं रॉन्ग, इलेक्ट्रिसिटी, मर्क्यूरी एंड लेड, वो क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. है मेटल, है क्या? मेटल, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, लेकिन है क्या? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. देन यहाँ पे ही लिख दिया है सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर. अच्छा ये तो एग्जांपल है, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो कॉपर एंड क्या लिखा है, एजी, मतलब एजी है, एजी सिल्वर. ओके सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हाँ तो इसका एक्सेप्शन ग्रेफाइट, वो नॉन मेटल है फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डन, ओके सोनोरस का कोई एग्जाम्पल वो नहीं है. डन, समझ में आया? एक्सेप्शन एक मार्क में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है एक एक मार्क में. डन, ओके चलो. सो अब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात करनी है. किसके बारे में? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ओके तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो भाई मेटल प्लस ऑक्सीजन मतलब क्या कर रहे हो तुम? जला रहे हो, जला रहे हो. फर्स्ट चैप्टर मैग्नेशियम रिबिन की पट्टी को जला रहे हो तो क्या बनता था? MgO. करेक्ट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मतलब नीचे आ जाता था. तो MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके दैट मींस मेटल प्लस ऑक्साइड गिव ऑक्साइड्स. कौन से ऑक्साइड्स? मेटल ऑक्साइड्स. ओके सो मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव व्हाट? मेटल ऑक्साइड. एट्स और वही एग्जांपल लिखना हो तो तुम लिख सकते हो क्या? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट विल गिव, देखो एग्जांपल तो जितने लिखने हो लिख सकते हो. डन, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, याद दिलाने के लिए लिखा हुआ है तुम्हें. ओके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर. एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. याद रखने की एक ट्रिक बताई थी मैंने इस चीज को याद रखने की, कि इंटरचेंज ना हो जाए, कौन सा मेटल वाला एसिडिक ना हो जाए और नॉन मेटल वाला बेसिक ना हो जाए. क्या ट्रिक थी? क्वेश्चन ये है मेटल ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है. बट ये डिस्कस जब हम कर रहे थे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में, तब मैंने एक एग्जांपल दिया था जिससे कि ये मिक्स ना हो जाए, कि नॉन मेटल तुम गलती से बेसिक ना लिख दो. तो एनी एग्जांपल किसी को याद है? जनरली एसिड रेन वाला कंसेप्ट और से एसिडिटी वाला कंसेप्ट था. तब बताया था मैंने क्या कि ऑक्सीजन के साथ ये जो नॉन मेटल्स हैं हमारे से नाइट्रोजन सल्फर कार्बन, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके सो ये सारे ऑक्साइड बनाते हैं कौन? नॉन मेटल्स. एंड दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, इसीलिए जब रेन होता है उनके साथ मिलके पानी गिरता है तो हम बोल देते हैं कि भाई रेन की एसिडिक वाटर की एसिडिसिटी ज्यादा है, मतलब एसिडिक वाटर है. एसिडिक वाटर कैसे हो गया भाई? ऊपर से एसिड थोड़ी डाला. ये जो गैसेस है जिनका कॉम्बिनेशन है नॉन मेटल का, SO2, NO2, CO2, SO3, NO3, SOX और NOX लिखते थे हम. SOX, X मतलब जो डालना हो डालो, NO मतलब नाइट्रोजन मोनोक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड नाइट्रोजन पेंटोक्साइड N2O5, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड वैसे, और वैसे कार्बन की. तो ये सारे जो है वो एटमोस्फेयर में है मतलब हम अगर जैसा तैसा कंबशन कर दे मेहनत किए बिना और कुछ भी जला दे, जैसे कि भाई प्लास्टिक जला दिया ये वो, तो वो हैजार्डियस है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है. तो वो जाएगा तो रहेगा क्या? एनवायरनमेंट में रहेगा. फिर जो बारिश होगा उसमें
वाटर के साथ मिक्सअप हो जाएगा और पानी एसिडिक हो जाएगा, इसीलिए एसिडिक वाटर हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ रीजन। ये लिख मत देना, ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो द रीजन कि आज के टाइम पे एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है लोगों को। क्यों? क्योंकि पानी ही एसिडिक है, पानी पहले से ही जो ऊपर से आ रहा है वही एसिडिक है ना, हम उसमें कुछ बेस आइटम डाल रहे हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, ना हम कुछ बॉइल कर रहे हैं वो। हाँ, अगर आरओ सिस्टम और वो रखा हुआ है सो दैट इज गुड। बेसिकली अगर इन्वेस्ट करना हो तो हमें अपनी गुड हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एटलीस्ट पानी और खाना अच्छे से खाना चाहिए। ओके, सो पानी के लिए हम कुछ ना कुछ, जैसे कि हम ना घर पे आरओ ना रख सके तो एटलीस्ट वो जो आते हैं बेचने के लिए, पानी बेचने के लिए जो बड़े प्लांट वाले होते हैं वो बेचने के लिए आते हैं ना 20 रुपीज का वो पूरा, ये जो हमारा ट्यूशन में कैन है वैसे, तो वैसे परचेज कर लेने चाहिए, सो दैट उसमें भी वो लोग एसिडिटी और बेस और एसिड बेस वो पीएच चेक करके नहीं देते, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट करते नहीं है, करनी चाहिए बट मैं बता रहा हूं अंदर की बात है कि करनी करते नहीं है, तो वो तो तुम एसिडिक ही है बट फिर भी जो इतना ज्यादा डिजोल्व सॉलिड्स होता है ना वो कम हो जाता है, उतना हार्ड वाटर हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो हार्ड वाटर को क्या करके देते हैं, हमें सॉफ्ट करके देते हैं, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं पीना है, ज्यादा सॉफ्ट वाटर ऑल्सो नॉट गुड। अगर जैसे कि तुम पूरा बिस्लरी वाटर ही पे ही जी रहे हो, ओके, सेलिब्रिटी टाइप है तुम्हारे घर में कि तुम पूरा बिस्लरी पानी पी रहे हो, बाहर का कोई पानी नहीं और आरओ वाटर, सिर्फ आरओ वाटर, और फिर सपोज तुम घूमने गए या ऐसा कुछ हुआ, या फिर जब सीजन चेंज का टाइम होता है, समर से मॉनसून से विंटर, विंटर से वापस समर, ओके, सो ये जो सीजन चेंज का टाइम होता है ना, तब सबसे ज्यादा जुकाम कोल्ड कफ होने के चांसेस उन्हीं को होते हैं। ओके, जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही मेरी मौसी की लड़की, मेरी सिस्टर आई थी, तो वो वहां पे टैप वाटर ही पीते हैं, डायरेक्ट कंजम्पशन। ओके, डायरेक्ट कंजम्पशन जो आ रहा है सपोज नीचे से, वही डायरेक्ट, बोरवेल तो नहीं, बोरवेल कुआं, वेल बोलेंगे, बोरवेल नहीं बोलेंगे, वेल बोलेंगे। ओके, और एकदम रिवर के पास ही है उनका घर, बहुत नजदीक। ओके, हम भी रिवर के पास ही है वैसे। ओके, सो इतना नजदीक, तो इतना नजदीक है मतलब क्या है, उतने वो जो डिजोल्व सॉलिड है उतने नहीं होंगे, पानी की क्वालिटी अच्छी होगी रिवर के पास है, तो वो उनको यही आदत है। तो 2 दिन यहाँ पे हमारे घर रहे और ऐसे जुकाम हो गया, क्यों, आदत है उसकी हार्ड वाटर की। फिर सॉफ्ट ले लिया, शुरू सॉफ्ट की आदत हो गई और हार्ड ले लिया, दैट इज ऑल्सो स्टोन की प्रॉब्लम होती है ना, सो वो किसकी वजह से होती है, हार्ड की वजह से, हार्ड वाटर बहुत ज्यादा कंजम्पशन किया, सो किडनी स्टोन होता है, पथरी जिसे बोलते हैं। ओके, सो इसीलिए पैसे हम बचाने के चक्कर में अगर खाना पीना सही नहीं रखा तो हॉस्पिटल में देने पड़ेंगे लास्ट में पैसे, इससे अच्छा है अभी इन्वेस्ट कर दो। ओके, चलो, सो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या बताया मैंने अभी, बताया वो क्या कि जो मैं तुम्हें याद करने के लिए बोल रहा था, ये सारे जो है NOx, SOx, COx, मतलब के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, तो नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है, सो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है वो, सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स, उन्हीं की वजह से पानी एसिडिक हो रहा है, सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, एंड उससे ऑपोजिटली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, एज सिंपल एज दैट, डन। एक मार्क में ये भी पूछा जाता है, इसलिए वापस लिखा हुआ है। दूसरे एग्जांपल्स, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, दैट इज मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ओके, Al2O3, डन। ओके, सो नेक्स्ट आता है, अच्छा, ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स, याद रख लेना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मैंने देखो मार्क कर दिया है, 1-2 मार्क्स में ज्यादा पूछा जाता है एम्पोटेरिक ऑक्साइड मींस व्हाट। तो भाई एम्पोटेरिक ऑक्साइड वैसे है, अभी हमने क्या बोला, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसी शो कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, बेसिक, लेकिन एम्पोटेरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, एसिडिक ऑल्सो एंड बेसिक ऑल्सो। ओके, इसलिए नहीं एम्फीबियंस बोलते हैं, एम्फीबियंस पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, फ्रॉग जैसे, टर्टल जैसे, क्रोकोडाइल जैसे, दोनों जगह रहते हैं। ओके, तो वहीं से ये वर्ड वहीं से आया हुआ है, सो एम्पोथेटिक मतलब ड्यूअल नेचर, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, डबल डबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसे। सो मेटल ऑक्साइड्स विच शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, दे रिएक्ट विद द बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर।
ओके सो जनरली एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स की तुम्हें डेफिनेशन पूछे सो दे आर द मेटल ऑक्साइड्स विच शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट्स इट फुल स्टॉप डन सो वो है एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स अब एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स है तो अगर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं तो फिर वो एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करेंगे देन वो क्या बनाएंगे तो सॉल्ट बनाएंगे और पानी छोड़ेंगे ओके क्यों क्योंकि हमने देखा था एसिड बेस में एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट एंड वाटर ओके तो एसिड और बेस मिलके क्या बना देंगे सॉल्ट एंड वाटर तो जैसे कि भाई Al2O3 अभी देखा हमने ये क्या है Al2O3 मेटल ऑक्साइड्स है लेकिन ये एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स है ये मेटलिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है और एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है दूसरा है जिंक ऑक्साइड ZnO ओके क्या है ZnO तो ये भी दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ये एक सेंटेंस लिखो दो एग्जांपल लिख लो दो मार्क्स मिल गए ओके चलो ओके नेक्स्ट डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन हाँ तो भाई अलग अलग मेटल्स जो होते हैं हम यहाँ टॉपिक ही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ओके तो सबसे पहले तो हमने बोला कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटलिक ऑक्साइड्स बना देगा फिर उसी को कनेक्ट करके हमने बोल दिया कि भाई मेटलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं उसको ही कनेक्ट करके हमने बोल दिया कि भाई बेसिक तो होते हैं लेकिन एसिडिक भी होते हैं और वो जो दोनों होते हैं उनको हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं फिर हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं कि हमारा टॉपिक है मेटल प्लस ऑक्सीजन कर रहे थे हम तो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई मेटल प्लस ऑक्सीजन करो जनरली हम मेटल्स ही पढ़ने वाले हैं लास्ट लेक्चर में बताया था ऐसे ही नॉन मेटल्स लिख दिया है ओके जनरली हमारा मेजोरिटी ऑफ कंटेंट चैप्टर में क्या है मेटल रिलेटेड ही है तो मेटल ऑक्सीजन के साथ हमने ये देखा बट कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सारे मेटल्स सेम तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते सबका रिएक्ट करने का तरीका मेथडोलॉजी अलग अलग है क्या है देखते हैं चलो मेटल सच एज पोटेशियम उसका अल्फाबेट पोटेशियम एंड सोडियम का एन ओके कैपिटल एन ए सो मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट vigorously मतलब खतरनाक स्पॉन्टेनियसली बहुत फास्ट ओके बहुत फास्ट एकदम फास्ट vigorously that they catch fire इतने फास्ट होते हैं कि they catch fire इतने फास्ट कोई दौड़ते हैं कि यहाँ जलने लगता है ओके लाइक दैट सो they catch fire if kept in the open तो भाई इतने vigorously रिएक्ट करते हैं फटाफट टाइम कंजम्पशन इतना नहीं है मतलब तुमने ऐसे कंटेनर में से निकाला और धड़ाधड़ रिएक्शन स्टार्ट हो गया ओके इतना फास्ट इसीलिए उसको कंटेनर में ही रखा जाता है बहुत ही प्रिसाइजली उसको निकाला जाता है नहीं वैक्यूम तो नहीं जनरली हमने ये भी पढ़ा था 8th में पर्टिकुलर केरोसिन वाटर उसमें रखा जाता है अब हाँ वाटर में भी रखा जाता है यस केरोसिन में भी रखा जाता है वाटर सबकी बात नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर सबके लिए अलग अलग है ओके किसी को केरोसिन में किसी को वाटर में लाइक दैट ओके सो मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर केप्ट इन द ओपन हेंस दे आर केप्ट इन केप्ट इमर्ज्ड इमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ सिंक ओके इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल टू अवॉइड एक्सीडेंटल फायर्स तो एक्सीडेंटल फायर ना कैच कर ले इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को कहां रखा जाता है केरोसिन में ओके केरोसिन ये भी एक मार्ग में पूछा जा सकता है एक एक्सपेरिमेंट मुझे मिला था तो मैंने लास्ट ईयर अपने वीडियोज में अभी ढूंढना पड़ेगा ढूंढूंगा अपने चैनल पे डाला था क्या एक्सपेरिमेंट क्या था कि ये जो हमारा पानी पीने का ड्रम है वैसा ड्रम और इतना सा सोडियम लिया है ओके तो इतना सा सोडियम लिया है और उसको पानी में डाल दिया कहाँ डालना है केरोसिन में स्टोर करने के लिए उसने डाला कहाँ पे पानी में तो पानी में क्या है ऑक्सीजन हो जाएगी तो पूरा ऐसे बॉम्ब के जैसे फटेगा बॉम्ब के जैसे ओके फटेगा ओके चलो सो केरोसिन में रखा जाता है देन नेक्स्ट सरफेसेस ऑफ मेटल सच एज
मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. ये जो सरफेसेस है मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम है जिंक है लेड है उनको ऑक्साइड से कवर कर दिया जाता है. ओके क्यों? टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन. ये भाई ऑक्सीडेशन ना हो इसलिए. इसीलिए जो एल्यूमिनियम है देखो यहाँ पे पट्टी लगाई हुई है. ओके अभी भी निकाली नहीं है. So, ये पट्टी की वजह से क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाएगा. ऑक्सीडेशन कैसे स्टॉप हो जाएगा? ये है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम लेकिन कलर्ड है. ओके अदरवाइज एल्यूमिनियम का कलर ये होता है बट ये तो स्ट्रिप है. ओके बट एल्यूमिनियम का ओरिजिनल कलर ऐसे होता है लेकिन ये रहा नहीं वहां भी वही है सेम ही है. ओके ये रहा बोर्ड वाला दिस इज एल्यूमिनियम ओरिजिनल ये. ओके सो दिस इज ओरिजिनल एल्यूमिनियम और उसके ऊपर ऐसे कलर किया हुआ है तो ये ब्राउन कलर जो कलर चाहिए वो मिलता है अब तो. बट एक्चुअली क्या है अभी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन तो कंटिन्यूअसली है ही एटमॉस्फेयर में. एट द सेम टाइम वाटर मॉइस्चर कंटेंट भी होगा ही. तो होगा क्या उसका यहाँ केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई. तो केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई इसलिए उसके ऊपर पर्टिकुलरली लेयर बना दिया जाता है. नहीं तो वो क्या करेगा ऑक्साइड पे ऑक्साइड बन जाएगा और फिर तुम्हें लगेगा ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनता रहा और फिर हमें दिखेगा कैसे पता है कि भाई ऐसे वो व्हाइट डॉट्स जैसे लगेंगे जैसे कि कोरोजन जैसा लगता है ना आयरन में. जैसे आयरन में कैसे कोरोजन जैसा लग रहा है वैसे एल्यूमिनियम है और उसमें कैसे व्हाइटिश हो जाएगा. जैसे कि हमारे घर पे स्टील के नल होते हैं टैप उस पे देखना ऐसे व्हाइट कलर का स्केलिंग उसको स्केल बोलते हैं इंग्लिश में स्केलिंग हो जाता है व्हाइट कलर का. नहीं तो अपने बाथरूम में देख लेना यार. ओके सो व्हाइट कलर हो जाता है मतलब क्या कि थोड़ा रैशिश टाइप. ये तुम ये देख लो अपना ओके जहां पे लगा हुआ है. ओके सो वो देखो एक्चुअली उसका कलर क्या है ऐसा लेकिन अब कैसा हो गया है. ओके समझ में आ रहा है ये तो ये सब स्केलिंग हो गया. ओके ये सब क्या हो गया है स्केलिंग हो गया है लाइक दैट. तो हाँ बोलो उसके ऊपर लेयर वो लोग लगा देते हैं ऑलरेडी. ओके यस तो अदरवाइज तो हो ही जाएगा. और अगेन डिपेंडिंग कि भाई कितना मॉइस्चर कंटेंट रहता है. ओके ओपन में अगर रहेगा तो बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट रहेगा ओपन में होगा तो. चलो सो क्या करेंगे हम ऑक्सीडेशन रोकने के लिए ऑक्सीडेशन कंटिन्यूअस ना रहे रोकने के लिए हम क्या कर देंगे उसको लेयर ऑक्साइड्स का लेयर लगा देंगे. सो सरफेसेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. ऑक्साइड का थिन लेयर कवरिंग कर देंगे इन शॉर्ट. ओके सो दैट फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा. जैसे कि ऐसा समझो ये लगाया क्यों जाता है ये दो रीजन है कि कलर एक तो से अच्छा रहे लॉन्ग टाइम तक. दूसरा कलर अच्छा क्यों रहेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ही नहीं है सो केमिकल रिएक्शन यहाँ इजीली होगी नहीं. ओके लाइक दैट. सो नहीं तो फिर कोई भी चीज हो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो लस्ट्रियस होती है उसकी जो शाइन होती है वो सब क्या होती जाएगी धीरे धीरे कम होती जाएगी फिर चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो या ह्यूमन बींग हो. बोलो किसके ऊपर किसके एल्यूमिनियम के ऊपर यही है वो प्लास्टिक और जो सरफेस है वो यही सरफेस है ये समझ में आ रहा है यही है ये देखो ना यहाँ से निकाली गई ये तुम यहाँ बैठे थे क्या ये देखो ये ओके चलो सो वो लगाया गया है. नेक्स्ट सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. मजे करो ओके अगर वो भी करते होते तो गए गोल्ड के रेट डाउन हो जाते. सो सिल्वर एंड गोल्ड वो लोग डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. जनरली क्यों भाई ये लिखने की जरूरत क्या थी ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी उनकी कम है लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी. हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था टेम्परेचर हैव द कैपेसिटी. ओके कैटालिस्ट का काम करता है वो. सो एक सेम टेम्परेचर पे कुछ सपोज कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड. ओके अब हायर टेम्परेचर पे तुम सपोज कोई केमिकल रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो सो वो जो प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट में से उसकी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी पे चेंज आएगा.
क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो सब हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि सिल्वर और गोल्ड वैसे तो नॉन रिएक्टिव ही है, वेरी नॉन रिएक्टिव नहीं बोलेंगे, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी, वापस यहां भी पढ़ेंगे, यही चैप्टर में है। ओके सो सबसे कम कौन होता है, यही सिल्वर एंड गोल्ड। तो सिल्वर एंड, और सबसे ज्यादा कौन होता है, पोटेशियम। यस, सो सबसे कम ये लोग होते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड है कौन, ये लोग मेटल, फिर भी रिएक्शन तो करेंगे ओके, बट बहुत 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 कम रिएक्शन देंगे। एट द सेम टाइम अगर टेम्परेचर बढ़ा हो तो भी उनमें फर्क आने वाला नहीं है, दैट इज द गुड क्वालिटी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अदरवाइज प्लेटिनम, यस प्लेटिनम ऑल्सो, बट नॉट एज गुड एज दिस टू। समझ में आया, डन। और वो कॉस्टली भी ज्यादा है ओके, प्लेटिनम, प्योर प्लेटिनम की बात चल रही है ओके, अदरवाइज तो अब तो प्लेटिनम भी बहुत सारी एसेसरीज ज्वेलरीज मिलती है प्लेटिनम की, बट जैसे कि गोल्ड में हम बोलते हैं ना 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट का ज्वेलरी तो आता नहीं है। अगर कोई तुम्हें बोले कि लो 24 कैरेट का नेकलेस है, वो तो झूठ बोल रहा है ओके, ज्वेलरी नहीं आएगी, क्यों, क्यों 24 कैरेट मतलब 100% प्योर, 100% प्योर बनेगा कैसे, मशीन से बनाओगे या ह्यूमन बीइंग बनाएगा, तो ये हाथ से, जो हाथ से बना रहे हैं ना उससे ही इम्प्योरिटीज अंदर चली जाएगी, या जो मशीन से बना रहे हैं वही इम्प्योरिटीज अंदर चली जाएगी। सो ज्वेलरी तो कभी नहीं बनेगी, हाँ ब्लॉक हो सकते हैं, ब्लॉक मतलब बिस्किट जिसे हम बोलते हैं KGF ओके, बोलो वही ना, चलो। सो समझ में आ गए, पॉइंट पूछे जाते हैं, 3 पॉइंट समझ में आ गए, क्या क्या बोल रहे हैं कि भाई सबके साथ अलग अलग वे में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। तो पहला तो बोला कि कई मेटल्स ऐसे हैं जिसके साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है, सो है पोटेशियम, सोडियम, और कैचेस फायर ऑल्सो, दैट्स वाई इट कैन बी स्टोर्ड इन केरोसिन ओके, वो एक पॉइंट देखा। दूसरा हमने देखा कि बहुत ज्यादा ऑक्साइड्स रिएक्ट ना कर दे, इसलिए उसके ऊपर ऑक्साइड्स का ही लेयर बना दिया जाता है कि फर्दर ऑक्सीडेशन अब होगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी सरफेस, जैसे भाई हम ऐसे, जैसे कि यहाँ है भाई, अभी सपोज ठंडी लगे, गर्मी लगे, तो यहाँ ज्यादा लगेगी ठंडी और गर्मी कंपेयर टू ये वाली जगह, क्यों, ये कवर्ड है भाई, तो कवर्ड है तो थोड़ा कम लगेगा, लाइक दैट सिंपल ओके। ये किसको क्या हुआ, आंसर चलो, एंड सिल्वर, अरे यार कुछ करो, बैंड बंद कर दो अभी तो 30 का है, अब क्या है, लाइट से ज्यादा कुछ नहीं, आ गया आ गया, फैन चालू करो, हाँ चलो। सो 3 पॉइंट समझ में आ गए, डन। अब ये सब किसके साथ था, ऑक्सीजन के साथ, अब थोड़ा और, पानी, मेटल रिएक्ट विद द वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये तो हमने पढ़ा था, वही चैप्टर में ओके। सो मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ, वहां जनरली हम एसिड की बात कर रहे थे, यहां पर हम मेटल की बात कर रहे हैं। सो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, याद आया, पहली रिएक्शन वो थी ओके। सो यहां पर क्या है, देखो अब दो ही चैप्टर बाकी है, मिक्सअप ना हो कुछ भी ओके। अब यहां पर क्या है, हम मेटल प्लस वाटर H2O, मेटल प्लस व्हाट, H2O, तो मेटल प्लस वाटर करेंगे तो मेटल ऑक्साइड एक तो बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। देखो जैसे कि प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, फर्दर मेटल ऑक्साइड तो बन गया, अब जो मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल है, मतलब डिसॉल्व हो जाता है, सो सॉल्युबल आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व्स इट इनटू फर्दर फ्रॉम टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया गया है, जैसे कि सोडियम है,
सोडियम का, सोडियम की रिएक्शंस पानी में, मतलब पानी में सोडियम डाला है हमने, ओके तो बनेगा क्या, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। अब ये सोडियम ऑक्साइड एक्चुअली कहां बना, पानी में बना ना, क्योंकि सोडियम को पानी में डाला था तो सोडियम ऑक्साइड तो बन गया, लेकिन कहां पर, पानी में। अब ये सोडियम ऑक्साइड पानी में डिजोल्व है, सॉल्युबल है, तो वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा पूरा। अब डिजोल्व हो गया तो वो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड रहा नहीं तो वो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो स्टेप समझो, मेटल वाटर, मेटल एंड वाटर मिक्स हो गया, बन गया मेटल ऑक्साइड सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में अगेन सेकेंड स्टेप में मेटल ऑक्साइड बना, अब मेटल ऑक्साइड है किसमें, पानी में। थर्ड स्टेप में वो क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड का कन्वर्जन किसमें हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड। वैसे याद रखो एग्जांपल्स रटने नहीं है, एग्जांपल तो जितने ये अभी लिखे थे सारे, कोई भी मेटल डाल दो, सोडियम डाल दो, लिथियम डाल दो, पोटेशियम, तो सबके लिए सेम हो जाएगा, रटना नहीं है। ओके सो मेटल प्लस वाटर, और सेंटेंस भी वैसे ही लिखो, इतना ही याद रखा तो सेंटेंस भी हो जाएगा और एग्जांपल्स भी हो जाएंगे। याद क्या रखना है, मेटल प्लस वाटर दैट विल प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड विच आर डिजोल्व, सारे मेटल ऑक्साइड नहीं बट से आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड क्या पानी में डिजोल्व है क्या, आयरन ऑक्साइड नहीं, तो वहां फिर आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, लेकिन सोडियम को डाल दिया पानी में तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, एंड दैट इज डिजोल्व, दैट कैन डिजोल्व इन द वॉटर, तो उससे क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया, पक्का? मेटल वॉटर, मेटल ऑक्साइड इन वॉटर सॉल्युबल है तो मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट्स इट, डन। एंड मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया तो फिर जो गैस है वो रिलीज हो जाएगा। देखो यहां पे बीच वाला स्टेप नहीं दिखाया गया है, क्या था, मेटल एंड वाटर, तो मेटल ऑक्साइड एंड वाटर वाला स्टेप यहां पर दिखाया गया नहीं है इसमें। सो मेटल एंड वाटर और डायरेक्टली तुम यहां आ गए, क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड, डन। बीच वाला स्टेप इज नॉट देयर, सो Na प्लस H2O दैट विल गिव NaOH, डायरेक्टली हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड हीट रिलीज्ड। हीट रिलीज्ड मतलब कौन सी प्रोसेस, रिएक्शन इज वायलेंट इवन विद कोल्ड वाटर एंड सो एक्सोथर्मिक दैट हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। ये दोनों रिएक्शन इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है कि वो ठंडे पानी में भी हो सकती है, नॉर्मल वाटर में तो होगी ही और गर्म वाटर में तो फास्ट होगी, बट ठंडा पानी लिया ना तो शायद हम सोचे कि कम हो, बट इतने मतलब वायलेंट है ये लोग, इतने रिएक्शन करने के लिए रेडी है ये लोग, ओके क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्यों, Na 11 तो 2 8 1, एक ही है, जैसे एक दे दो जिसको, मार दो एक बस, चाहिए ही नहीं, ओके लाइक दैट। सो इसीलिए वो बहुत ज्यादा वायलेंट है, तुरंत ही रिएक्ट कर देंगे और कैचेस हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगा ना, ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुआ वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट भी मिल गई, हाइड्रोजन यहां से मिला, ओके तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ही, हाइड्रोजन इज अ फ्यूअल काम करेगा, कोई भी चीज कंबशन होने के लिए तीन चीजें चाहिए, पहले भी पूछा था अभी भी पूछ रहा हूँ, क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन, मीडियम मतलब हीट, फ्यूअल चाहिए, और जिसको चलाना है वही तो फ्यूअल है, जिसको जलाना है वही तो फ्यूअल है, वाटर तो बुझाना नहीं है भाई, फायर लगाना है, ऑक्सीजन, हीट, हीट चाहिए एंड फ्यूअल चाहिए, दैट्स इट, ओके। सो हाइड्रोजन जो है वो फ्यूअल का काम करेगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ही, तो ऑक्सीजन, फ्यूअल और हीट, हीट कहां से मिलेगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो हीट रिलीज हो जाएगी, जैसे ही हाइड्रोजन धड़म धड़म धड़म, भाई क्यों भाई, तू तो हाइड्रोजन था तू क्यों जलने लगा, ऑक्सीजन साथ में ले लिया ना उसने, ओके डन। तो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, सो दोनों अभी इसके जगह तुम कुछ भी लिखो, ओके सही है, लेकिन जनरली ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो ये दोनों के लिए लिखा हुआ है, सोडियम एंड पोटेशियम के लिए, क्यों, क्या लिथियम के लिए और से लीना की रूबीडियम और उनके लिए वैलिड नहीं है क्या, नहीं वैलिड है,
ये दोनों के लिए वैलिड है। क्यों? इससे पहले तो हमने देखा कि मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विथ ऑक्सीजन, ये दो ही थे ऊपर याद हो तो, ये दो ही थे जो ऑक्सीजन के साथ विगरेसली रिएक्ट कर रहे थे, बाकी नहीं थे, तो ये दो की वजह से ही ये रिएक्शन हो रहा है। ओके, सो दैट इज देयर। अब बाकी मेटल तो देखो, कैल्शियम को भी पानी में डाल दिया तो बना क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर से वो डिसॉल्व हो गया तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बीच वाला स्टेप योर विश, दिखाना हो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम प्लस वाटर दैट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस। कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है? पॉप अप साउंड। कैसे पॉप अप साउंड? ऐसे ही आने लगेगी, कैंडल बर्नर मैचस्टिक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मिल्की वाला वो दूसरा है, कौन सा गैस है? हाँ चलो, कहाँ गए? लेस वायलेंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। अच्छा, इसमें जो हाइड्रोजन रिलीज होगा ना, वो बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं है। ओके, और वायलेंट नहीं है मतलब वहां भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन, वायलेंट नहीं है मतलब उतनी हीट भी रिलीज नहीं होगी कि वो जलाने के लिए रेडी हो जाए। ओके, मतलब H2 को जला दे, फिर भी ये रिएक्शन का ही एग्जाम्पल लिया था हमने फर्स्ट चैप्टर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, याद हो तो। लेकिन हमने वहां कैल्शियम नहीं लिया था, हमने डायरेक्टली उसका ऑक्साइड लिया था, जिसका दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का निकनेम, निकनेम क्विकलाइम, और स्लेक्ड लाइम कौन सा? COH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखो सब कुछ, केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है कि पहले का याद हो तो इजी लगेगा, और पहले का भूलते जाओगे तो इजी होगा तो भी इजी नहीं लगेगा। ओके, तो याद रखो एटलीस्ट 10th तक। ओके चलो, सो मैग्नीशियम को भी डालेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड H2 रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, तो हॉट वाटर हो तब ये रिएक्ट करेगा। ओके, देन सारे ही है, देखो एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, आयन ये देखो 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 आयन H2O, आयन ऑक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना, आयरन हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना। अभी मैंने बताया ना, एग्जांपल लिया ना कि आयन को डाल दिया पानी में तो आयन ऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन क्या आयन हाइड्रोक्साइड बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? सॉल्युबल नहीं है ये। एल्यूमिनियम की पट्टी ऐसे काट ली मैंने, ओके, टंकी में डाल दी, पानी की टंकी में, तो अंदर रिएक्शन हो गया, तो ऑक्सीडेशन तो हो गया, पानी में डाल दिया मतलब वो पट्टी का वो स्ट्रिप का ऑक्सीडेशन हो गया, वो आयरन का हो या एल्यूमिनियम का हो, ऑक्सीडेशन तो हो गया। ऑक्सीडेशन हो गया मतलब आयरन ऑक्साइड बन गया Al2O3, और से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया Al2O3, और आयरन ऑक्साइड बन गया Fe2O3। ओके, वो बन गया ऑक्साइड। अब जैसे सोडियम पानी में पड़ा रहा था तो वो घुल मिल गया, डिसॉल्व हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। भाई एल्यूमिनियम तुम 10 दिन 15 दिन 10 साल बाद देखोगे ना, वो पट्टी वहीं की वहीं रहेगी। क्यों? वो डिसॉल्व नहीं होगी अंदर। ओके, सो उसमें से हाइड्रोक्साइड बनेगा नहीं, याद रखना अच्छे से। याद रहा, पानी की टंकी में तुम एल्यूमिनियम की और लोखंड की पट्टी डाल रहे हो तो ऑक्साइड तो बनेगा बट हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। डन? हाँ बोलो। तो इसको याद ही रखना है। हाँ, ये दोनों का ही, यही दोनों याद रखना है और कुछ नहीं। वहां सोडियम पोटेशियम याद रखो और यहाँ एल्यूमिनियम और ये आयन याद रखो, दैट्स इट। ओके, सारे मेटल की बात कर ही नहीं रहे हम। हाँ चलो, सो एल्यूमिनियम एंड Fe डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड एज देयर ऑक्साइड्स आर नॉट सॉल्युबल, उसके ऑक्साइड सॉल्युबल नहीं है, सिंपल यही चीज है। दे डू नॉट रिएक्ट विद दी हॉट वाटर बट स्टील, देखो ये जो पानी में डाला और ऑक्साइड बना ना, वो भी होगा नहीं नॉर्मल वाटर और हॉट वाटर, किसके साथ? से स्टीम के साथ रिएक्शन होगा। इसीलिए देखो ध्यान से, अभी चलेगा चलेगा, ध्यान से देखो, से दिस गैसियस दिख रहा है, सो पानी में नहीं डाला है, अभी मैं बोला
जल्दबाजी में क्या ये पट्टी को डाल दिया, लोखंड को डाल दिया पानी की टंकी में, तो ऑक्साइड तो बना लेकिन हाइड्रोक्साइड नहीं बना। आधा ही सेंटेंस सही है, हाइड्रोक्साइड नहीं बना वो सही है, ऑक्साइड बना वो भी गलत है। ऑक्साइड भी नहीं बनेगा, ऑक्साइड भी बनेगा नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो क्या गर्म पानी की टंकी में डाल दे तो वो भी नहीं होगा, स्टीम के साथ ही होगा। दैट्स व्हाई ओनली गैसियस स्टेट। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके। मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सोना, चांदी डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। ओके, तो ये लोग पानी के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं। सोचो सोना चांदी पानी के साथ रिएक्ट करते तो रोज हम नहाते और रोज एक ग्राम, रोज एक एक हजार रुपए चले जाते हैं। ओके चलो, मेटल्स और हाथ धोते तो भी चले जाते हैं। मेटल्स लाइक पीबी, देखो पीबी कॉपर, कॉपर भी देखो जाता तो, कॉपर का तो हम बॉटल यूज करते हैं, पानी भरते हैं अंदर, इसमें से कितना पानी रेफ्रिजरेटर में, कॉपर की वेसल्स होती है पाइपलाइंस, तो उसमें तो फिर कैसे चलेगा। सो कॉपर भी नहीं, एजी भी नहीं, एयू भी नहीं और लेड भी नहीं, डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। समझ में आया? डन। ये देखो पीबी सीयू एजी एयू अदर मेटल, पानी में मत डालो, ये डाल दो जान डाल। ओके चलो, समझ में आ गया? क्या देखा हमने ये पूरा बताओ। हाँ दिख तो रहा है, अब बताओ। चलो अब नहीं दिखेगा, वो दिख रहा है, अब तो दिख रहा है तो बोलो देख के। क्या देखा सेकंड पेज पे हमने? तो हमने देखा कि हमें सबसे पहले क्या देखा, मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड मेक मेटल ऑक्साइड। यस, और फिर अगर वो सॉल्युबल होगा तो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड। नहीं नहीं, वो तो पानी आ गया, पानी नहीं, अभी तो ऑक्साइड पे ही हम, अभी तो सिर्फ गैस है ऑक्सीजन। तो फिर हमने बोला कि जो मेटल ऑक्साइड बने हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ऐसा बोला हमने। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगे जैसे कि SO2 NO2 CO2 ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, वो दे आर एसिडिक इन नेचर। तो भाई Al2O3 जैसे है, ये तो ऐसे है Al2O3 जिंक ऑक्साइड कि बेसिक भी है और एसिडिक भी है, तो उनको हमने अलग से नाम दिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब कि दोनों बिहेवियर शो करें, वो देखा हमने। फिर हम वापस वो हमारे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि भाई मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन विल गिव मेटल ऑक्साइड। फिर हम बोले भाई ऑक्सीजन के साथ भी सारे मेटल सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे नहीं, तो उसमें हमने कई पॉइंट्स देखे। क्या पॉइंट्स देखे? सेम तरीके से सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो क्या पॉइंट देंगे? ऑक्सीजन में जो पीबी है वो सब ऑक्सीजन के साथ, वो तो है ही। यस, पीबी सोना चांदी वो लोग ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सब लोग सेम तरीके से रिएक्ट, सारे मेटल सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करते। पोटेशियम एंड सोडियम विगरसली रिएक्ट करते हैं एंड दे आर कैचेस फायर। ओके, दैट्स व्हाई दे हैव टू बी स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। उसी में दूसरा पॉइंट बताओ क्या था? करेक्ट, यस। सो जो भी हमारे एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, वो सब पे ऑक्साइड्स का कवर और से लेयर बना दिया जाता है। ये सब रिकॉल करने का ट्राई करो, तो जो ट्राई कर रहे हो उसमें दिमाग में घुसता जाएगा। ओके, सो तभी याद हो जाएगा, बातें नहीं। सो इससे ऑक्साइड का लेयर बनाने से होगा क्या? फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और
तो एक दो ही हुए। पहला पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट। करेक्ट। एट हाई टेम्परेचर आल्सो, हाई टेम्परेचर पे भी गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट नहीं कर रहे। यहाँ बात खत्म हुई ऑक्सीजन की। फिर बात शुरू होती है वाटर की। ओके, सो जनरली क्या होता है? मेटल प्लस H2O दैट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स प्लस H2 नहीं, मेटल ऑक्साइड्स ओनली। एंड दोज मेटल ऑक्साइड्स विच आर सॉल्यूबल इन वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड H2 एंड H2। ओके, हीट, यस हीट, हाईली हाई हीट, मतलब से मोर हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, उसके सारे एग्जांपल्स देखे हमने। सबसे पहले दो एग्जांपल्स, सोडियम एंड पोटेशियम, के एन ए। अच्छा, पोटेशियम एंड सोडियम ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर जाए। अरे सब में, हाँ यस, सब में ही रिएक्ट कर जाए, ठंडे पानी गर्म पानी सब में ही रिएक्ट कर जाएंगे। ओके यस करेक्ट, वो लिखना लिख सकते हैं, दे इवन रिएक्ट इन दी कोल्ड वाटर। सो हाँ एक ही मिनट, तो ये हमने पोटेशियम और मैग्नीशियम की बात, सॉरी सोडियम की बात की, पोटेशियम सोडियम, उसमें वो सेंटेंस लिखना कि दे विगरसली रिएक्ट एज वेल एज दे कैचेस फायर ऑल्सो, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट वी हैव डन। फिर बाकी सिंपल एग्जाम्पल जो तुम हम डेफिनेशन में बोले वो क्या, मेटल में से लास्टली क्या मिल जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड H2। तो उसके लिए एग्जाम्पल्स कौन सा लेंगे, कोई भी ले लो, कौन सा? मैग्नीशियम ले सकते हैं। तो भाई मैग्नीशियम पानी में डाल दो, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो ना दिखा हो तो चलेगा, दैट कैन डिसॉल्व, सो बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। दूसरा कोई? कैल्शियम, नहीं कैल्शियम, सो कैल्शियम प्लस H2 CaO एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2, दैट्स इट। ओके, अभी एक्सेप्शन केस पांच, फिर से क्या, एल्यूमिनियम एंड आयरन, तो उनको पानी में डालेंगे तो ऑक्साइड ही नहीं बनने वाला है। ओके हाँ, सो ऑक्साइड बनेगा नहीं तो हाइड्रोक्साइड की बात ही नहीं करेंगे, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, बट स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे तो बना रहे हैं क्या, H2O स्टीम, स्टीम के ऑक्साइड्स बना रहे हैं, ऑक्साइड्स प्लस H2O, यस ऑक्साइड्स प्लस H2O, H2O नॉट H2, H2 नहीं H2O स्टीम है ना। ओके, तो H2O लिखो ना लिखो, लेकिन लिख रहे हो तो स्टीम है, वाटर लिक्विड जो, वाटर गैस जो लिखना हो वो, बट H2 नहीं है, H2O है। ओके, सो एल्यूमिनियम और से आयन प्लस वाटर, स्टीम नॉट वाटर, स्टीम दैट विल हैव, दैट विल मेक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयन ऑक्साइड, फिर वो पानी में होंगे या स्टीम में होंगे तो क्या हाइड्रोक्साइड बनेगा? नहीं बनेगा, ये दोनों के हाइड्रोक्साइड नहीं बनेंगे। और फिर हमने बोला कि सोना चांदी लेड कॉपर ये लोग पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। डन, कितना टाइम हुआ है, बंद हो गई है, अरे चालू है चलो नेक्स्ट। थोड़ा जल्दी छोड़ो, क्यों आज भी मैच है क्या? सर वो हां अपने क्या वाला वीडियो, वीडियो ब्लॉक हो गया, कॉपीराइट आ गया और वीडियो ब्लॉक, वो दिखेगा ही, कई वीडियो ब्लॉक होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि इंडिया में ब्लॉक हुआ, ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हो गया, क्योंकि ICC वर्ल्ड कप था, फिर क्या करें, तो फिर मैंने डिस्प्यूट का ऑप्शन होता है, तो डिस्प्यूट करूं मतलब क्या, मैंने जानबूझ के नहीं किया, या तो फिर ये मेरा राइट है करने का, राइट तो है नहीं, जेल में जाना पड़े, तो फिर दूसरा ऑप्शन था कि जितने पे कोई
क्लेम कर रहा है कि ये हमारा नहीं है उनका है, उतना पोर्शन कट कर दो। तो वो ऑटोमेटिक ऑप्शन था यूट्यूब स्टूडियो में, सो दैट आई हैव डन। तो हमारा वीडियो अराउंड 1 hour 35 minutes से कट होके 1 hour 27 minutes जैसा हो गया, मतलब जो मैच थी वो वहां से ऑटोमेटिकली कट हो गया और अब वापस वो हो गया। चलो हाँ, नेक्स्ट मेटल ऑक्सीजन, मेटल वाटर एंड नाउ मेटल एंड एसिड, ये तो पड़ा हुआ है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये तो देखा देखा सा लग रहा है। ओके, बट H2 गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ, ये भी देखा है हमने, ये क्वेश्चन आंसर इन टेक्स्ट वाले और एक्सरसाइज के कर रहे थे तब देखा था हमने कि भाई याद आया HNO3 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड दैट विल रिएक्ट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट HNO3 के साथ ऐसा नहीं होता है। ओके, क्यों रीजन बताओ, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, क्यों HNO3 के साथ मेटल रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं देता? क्योंकि HNO3 एक मिनट, अब तुम बातें करते रहो, मैंने सब सोच रहा था, क्या सोच रहे अच्छा चलो क्यों, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देता है, क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीडेशन मतलब अब बोलो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल रिडक्शन ओके ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। ओके, सो HNO3 ऐसा नहीं करेगा, एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, यहां लिखा ही था एजेंट, ओके, सो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब क्या, इट ऑक्सीडाइजेस द H2 प्रोड्यूस, मतलब हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन मतलब क्या, मेटल एसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो सॉल्ट तो बन गया, ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज तो हो गया, लेकिन HNO3 इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये जो H2 है उसको भी ऑक्सीजन दे दे रहा है, तो H2 को ऑक्सीजन दे दिया तो वो H2O बन गया, तो हाइड्रोजन रहा ही नहीं फिर, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अगेन चैप्टर 1, बोलो क्या सवाल क्या पूछा मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी भी मेटल को ऑक्सीडाइज कर दे, किसी भी मेटल को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, यस वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का रिडक्शन कर दे रहा है, ओके, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे का तो ऑक्सीडेशन कर दिया, खुद का क्या हो गया रिडक्शन, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा ना, तुम एडिशनली किसी को कुछ देते जाओगे तो अपने पास कुछ होगा तब दोगे ना, ओके ओके चलो, सो इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस H2O इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी अदर, क्या बोल रहे हैं, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू, उससे क्या होगा, बोर्ड बंद थी, बंद कर दो, क्या कर रहे हो, बराबर कर रहा है, चलो क्या बोल रहे हैं कि हाँ, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दैट इज N2O
NO और NO2 कौन कौन किसकी इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड किसकी बात HNO3 HNO3 में जो नाइट्रोजन है वो खुद दूसरे का क्या कर दे रहा है वो ऑक्सीडेशन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन कर रहा है रिडक्शन कर रहा है मतलब रिडक्शन मतलब क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ओके तो क्या कर रहा है उसमें से HNO3 में से रिमूवल ओके चलो सो समझ में आ गया नेक्स्ट बट मैग्नीशियम अब देखो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या था एक्सेप्शन ये था कि मेटल अब बस अब मस्ती नहीं डिस्टर्ब हो रहा है नहीं तो फिर यहां नीचे बैठा लूंगा मेटल प्लस एसिड दैट विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लेकिन अगर एसिड HNO3 हो तो ये नहीं होगा क्यों नहीं होगा होगा बट H2 रिलीज नहीं होगा क्यों अरे H2 भी रिलीज होगा लेकिन जो H2 रिलीज हुआ उसका ऑक्सीडेशन कर देगा कौन HNO3 दैट्स व्हाई H2 विल कन्वर्टेड टू व्हाट H2O और HNO3 का क्या हर्ष हुआ मतलब HNO3 बन गया NOx N2O NO NO2 कुछ भी ऑक्साइड बन नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन गया डन ये समझ में ये एक्सेप्शन था HNO3 क्या था एक्सेप्शन था लेकिन ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन क्या कि अब देखो एक्सेप्शन था HNO3 लेकिन अगर मैग्नीशियम लिया तुमने और मैंगनीज लिया दोनों सेम जैसे ही लगेंगे कभी गलती ना हो जाए तुमने की थी क्या हाँ ओके कि मैग्नीशियम Mg और मैंगनीज Mn ओके यहाँ पे मैंगनीज का नहीं इसका नहीं लिखा Mg एंड Mn रिएक्ट विथ वेरी वेरी डाइल्यूटेड HNO3 टू evolve H2 गैस ओके क्या बोल रहे हैं कि HNO3 से तो रिएक्ट करेंगे नहीं कोई भी मेटल लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज है कौन वो लोग मेटल फिर तो वो रिएक्ट करेंगे HNO3 से लेकिन कैसा वेरी वेरी डाइल्यूटेड HNO3 से और तब H2 गैस रिलीज होगा समझ में आया पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन समझ में आया डन ओके मैंगनीज और मैग्नीशियम डाइल्यूटेड HNO3 मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है यस ओके सो पानी कम पानी ज्यादा और एसिड कम सो वो डाइल्यूट हो गया और एसिड ज्यादा और पानी कम कॉन्सेंट्रेटेड हो गया यस ओके चलो अब वापस फर्स्ट चैप्टर जो हम देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके सो दैट इज ओनली मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड तो भाई जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर दे रहा है डिस्प्लेस कर दे रहा है और कंपाउंड के साथ खुद मिल जा रहा है ओके सो से ये जो कंपाउंड है वो किसका होगा सॉल्ट्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसका सॉल्ट होगा तभी तो मोर रिएक्टिव आके उसको हटा देगा और खुद ज्वाइन हो जाएगा ओके समझने के लिए लिखा हुआ है जैसे कि यही एग्जांपल हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था Fe plus CuSO4 iron plus copper sulfate that will give FeSO4 and copper Cu वैसे ही Zn plus CuSO4 तो क्या होगा अगेन ZnSO4 एंड कॉपर डिस्प्लेस कर देगा ओके तो बताओ इसका क्या होगा Fe plus Ca Cu नहीं है CaSO4 तो क्या होगा FeSO4 plus Ca FeSO4 plus Ca नहीं होगा क्योंकि Ca स्ट्रॉन्ग है हाँ क्योंकि हमने क्या बोला मोर रिएक्टिव ही हटा पाएगा लेस रिएक्टिव को तो मोर रिएक्टिव Fe इज नॉट more reactive than calcium Fe is more reactive than copper but Fe is not more reactive than calcium calcium is more reactive than Fe तो ये reaction possible नहीं है तो हमें पता
मतलब याद रखना पड़ेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, उस टाइम पे भी मैंने बताया था कानू कार मांग रहा था। ओके सो फिर से अभी कार दे देंगे हम। और देखो जैसे ये भी है कॉपर एंड FeSO4 अगेन कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन एज कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन द आयरन। ओके सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज हमने जैसे देखी थी, कानो कार मांगे अल्ट्रा जेन फरारी हे प्रभु QHGAGA। ओके डन। सो अब देखो यहां पर कौन सा नहीं हुआ, एफ ई और सी एस ओ फोर का नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सी ए ऊपर है और एफ ई नीचे है। देखो सो सी ए ऊपर सारे कौन से है, मोर रिएक्टिव, नीचे है सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव। सो कैल्शियम ज्यादा है तो मतलब कैल्शियम का बॉन्ड एसओ फोर से ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। ओके तो एफ ई उसको बॉन्ड को तोड़ पाएगा नहीं, टूटेगा कैसे, अंबुजा सीमेंट जैसे बना है। ओके लेकिन यहाँ पे ऐसे देसी सीमेंट से बनाया हुआ है तो टूट गया। ओके सो कॉपर का बॉन्ड सल्फर के साथ इतना एसओ फोर सल्फेट के साथ इतना ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना सकता है तो फिर वो वहां आ जाएगा कौन, FeSO4। समझ में आया, डन। सो ये कानो कार मांगे अल्ट्रा जेन फरारी फिर हे प्रभु ऊपर नीचे है, हे प्रभु QHGAGA। वो तुम्हें जो गाना बनाना है बना देना। सो इसमें तो हमने इतना कंटेंट देखा, क्या देखा बोलो, चल क्या देखा ये पेज पर, एसिड के किसकी रिएक्शन, मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन, तो वो क्या होगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। फिर उसमें एक्सेप्शन देखा कौन सा, HNO3 का एक्सेप्शन देखा, तो उसमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। सॉल्ट बनेगा या नहीं बनेगा, सॉल्ट नहीं बनेगा, सॉल्ट नहीं बनेगा, इसीलिए ध्यान से पढ़ो। सपोज मेटल ले लिया मैंने कॉपर प्लस HNO3 ले लिया और सिर्फ कैल्शियम ले लिया और HNO3 ले लिया, अब कुछ रिएक्शन ही नहीं होगी ऐसा, हाँ तो क्या रिएक्शन होगी, NO2 CaO + NO2 + O2 + H2। अरे बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे, CaO + NO2 + देखो जनरली सॉल्ट बनता कैसे है, सॉल्ट कैसे बनाते थे हम, एक का प्लस दूसरे का माइनस, वैसे तो ये क्या है प्लस है, इसका ये प्लस है, इसका ये माइनस है, सो CaNO3। ओके एंड देन ये जो एच है वो चला जाएगा कहां पर, H2 में, लेकिन ये H2 जो है वो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो H2 का क्या हो जाएगा, ये H2O हो जाएगा, और ये भी नहीं बनेगा, ये जो NO3 है वो भी रिडक्शन होके NOX का कोई भी फॉर्म ले लेगा, कोई भी ऑक्साइड्स ले लेगा, सो रिएक्शन नहीं होगा, करेक्ट है। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारा ऑक्साइड्स बन जाएगा, अगेन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, वो एक्सेप्शन बताओ चलो कि HNO3 के साथ रिएक्ट करता है मेटल और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है, कौन थे वो? बोलो निर्भय, अमन, HNO3 के साथ रिएक्ट भी करेगा और H2 गैस भी देगा,
जिससे मैंने तुम्हें डाइल्यूट का क्वेश्चन पूछा था, डाइल्यूट HNO3 मतलब क्या? Mg और दूसरा Mn. ओके, तो मैंगनीज एंड मैग्नीशियम ये दोनों डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट भी देंगे और H2 गैस भी देंगे. डन. फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नथिंग बट द मोर रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal from a compound, from a salt. Okay, salt of say compound, particular less reactive metal का जो compound होगा या salt होगा उसमें से. Okay, so reactivity series बोलो, चलो बोलो. ठीक है अमन, बोलो reactivity series कैसे बताओ? कैसे बताओ तुम्हें जो बताना है बताओ. लाइन से बोल रहा है. हाँ बोलो. काशीनाथ का माली आलू जरा ठीक है पकाता है, कौन बोला आ गया? और चंगा बोलो धीरे धीरे मुझे तो बोलो. काशीनाथ का माली के देख के थोड़ी के एन ए सी यू सी ए सी ए सी ए सी माली एम एन या एम जी ये AU मतलब गोल्ड सोना. ओके चलो. सो अब तक जो हमने बात की, ये तो बड़ा टॉपिक है, ये छोटा देख लेते हैं. ओके अब तक हमने बात की क्या कि हम मेटल लेके आए और मेटल की हमने डिफरेंट डिफरेंट पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट. टॉपिक का नाम क्या था? बड़ा टॉपिक का नाम प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. क्यों? उससे पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़ी वो भी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी. तो स्टार्टिंग हमने किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से, उसके बाद हम गए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हमने पानी के साथ रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और एसिड के साथ रिएक्ट करवाया. डन. अब हम बोल रहे हैं कि ये भाई मेटल आते कहां से है, ये कौन है लोग और कहां से आते हैं. ओके सो पर्टिकुलरली देखो, सबसे पहले तो कोई भी एलिमेंट, कितने एलिमेंट है टोटल? 118. सो कोई भी एलिमेंट ऐसे तुम्हें फ्री में मिल जाएगा. ऐसे लाओ कॉपर मिल गया, ए लाओ ये मिल गया, गोल्ड मिल गया. डन. ओके क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव, बट है तो रिएक्टिव. दैट मीन्स वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना देंगे, तो हमें फ्री स्टेट में तो कोई मिलने वाला नहीं है. लेकिन ये भी 100% सही नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला सोना चांदी आर वेरी वेरी लीस्ट रिएक्टिव, तो वो मिल सकता है. थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर वो सब मिलता है, बट वो सबके साथ इम्प्योरिटीज इतनी ज्यादा होंगी नहीं. ओके तो नीचे से पत्थर के पत्थर, स्टोन KGF, ओके पूरा का पूरा ऐसे स्टोन ही मिल रहे, पहाड़ी मिल रहे. जैसे ये मार्बल है, ये मार्बल तो ये स्टोन है, एक्चुअली पर्वत है माउंटेन पे ये. ओके तो ये स्टोन है, स्टोन को ऐसे पूरा रॉक है, उसको काट काट के उसको शेप करके ऐसे बनाया गया. हम जो स्टैचू होती है टेम्पल्स में और तो भगवान की मूर्ति, सो वो क्या होता है? अगेन मार्बल, एक स्टोन होता है, उसमें से ही पूरा कार्विंग करके एक स्टोन बनाया जाता है. मतलब स्टोन तो है, एक स्कल्पचर बनाया जाता है. डन. ओके सो माउंटेन में से आया है तो उसमें इम्प्योरिटीज होगी, उसको साफ करना पड़ेगा ये वो. तो थोड़े ही, जैसे गोल्ड की बात की हमने, तो उसमें बहुत ज्यादा साफ सफाई की जरूरत नहीं है. हाँ बोलो.
थ्री मंदिर, गोल्ड के कहाँ थी? कहाँ पे? तुम अक्षरधाम की बात कर रहे हो? त्रि मंदिर में बीच में बड़ी सिमंदर स्वामी जी की, हाँ नहीं वो इसकी थी, मार्बल की थी। हाँ अरे मतलब वो तो खाली नहीं, नहीं गोल्ड की जो तुम बोल रहे हो ना वैसी तो हमने अक्षरधाम देखी थी। अक्षरधाम जब हम अंदर गए थे तो दैट इज गोल्ड। नहीं कोटेड होता है, लेकिन अगर कोटेड में भी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमने अभी एसिड की बात नहीं की, डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड, तो कोटिंग में भी कितना, ओके कितना, जैसे कि मैं अभी कुर्ग गए थे हम दिस ईयर, तो जैसे हमने वो बाइला कुप्पे और वो देखा ना कुर्ग में चैप्टर में इंग्लिश में, तो हम वहां गए थे तो वो मॉनेस्ट्री में गए जो बाइला कुप्पे में है, ओके टिबेटियन मॉनेस्ट्री, बड़ी मॉनेस्ट्री जो इंडिया में है, तो वहां पर जो लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू है बहुत बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब से ग्राउंड फ्लोर से लेकर के रोड से लेकर के यहां तक की थ्री फ्लोर, इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति स्टैचू है। तो अब ये जो पूरी है उसको भी गोल्ड प्लेट किया गया है और उसके अंदर बहुत सारा गोल्ड भी है एक्चुअल, और उसके अंदर वो रखे हुए हैं क्या, स्क्रिप्चर्स रखे हुए हैं बहुत ज्यादा, कि सालों सालों तक वो स्क्रिप्चर्स वहां पे स्टोर्ड ही रहे। सालों मतलब 10, 20, 50 साल, 100 साल की बात नहीं है, हजारों सालों के बाद भी अगर ऐसा समझो अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कुछ ना कुछ तहस नहस हो गया, अब सपोज 10,000 साल के बाद कहीं से ऐसे स्क्रिप्चर्स निकल रहे, पहले तो पढ़ना ही नहीं आता होगा। हमें आता है क्या संस्कृत पढ़ना? अभी मिल जाए तो आता है, स्कूल वाला संस्कृत नहीं। हाँ स्कूल वाला संस्कृत नहीं मतलब वही होगा, बट कहने का मीनिंग है कि अभी तुम्हें आता होगा, मुझे नहीं आता, मैं भी पढ़ा था 10th में, ओके बट अब नहीं आता मतलब हाँ ये जो हम श्लोकाज और वो देखते हैं तो पढ़ तो सकते हैं, हमें ही पता है कि कितना सच और कितना झूठ होगा। पढ़ तो लिए हम, ओके बट प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे हैं या नहीं, और चलो पढ़ना आता है, मीनिंग तो इम्पोर्टेंट है, ओके सो आगे जाके भी वही होने वाला है कि सब कुछ क्या होगा, चेंजेस आते रहते हैं। अभी देखो जैसे कि हम हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, उसमें हम कम पढ़ते हैं और इंग्लिश में ज्यादा पढ़ते हैं, आगे जाके ऐसा हो जाएगा कि मदर टंग समझ में ही नहीं आ रही होगी, आएगा ऐसा टाइम भी आएगा कि मदर टंग समझ में ही नहीं आ रही होगी, चली गई, जैसे वो हम एनिमल के बारे में नहीं पढ़े, एक्सटिंक्ट हो गए, ओके तो मदर टंग भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी लाइक दैट, ओके बहुत रेयरली यूज होगी। जैसे कि अभी भी देखो सपोज हम गुजरात में है तो क्या गुजराती हम शुद्ध बोलते हैं क्या? जो ओरिजिनल गुजराती कुछ और होगी, अभी हम बोल रहे हैं वो स्लैंग, सब जगह के स्लैंग वर्ड्स है, ओके तो डिफरेंट सो वैसा ही होता होगा, हो जाएगा, ओके तो कहने का मीनिंग ये है, अभी मैंने बताया कि सब कोई क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है वो मिक्स नहीं होगा, वो फ्री मिल सकते हैं। कौन है वो? ये है वैसे, ये तीन तो महंगे वाले, कौन? सोना चांदी और प्लेटिनम, और एक हमारा कॉपर भी जो है वो भी बहुत ज्यादा मिक्स नहीं होता, हाँ कॉपर ऑक्साइड और वो बन जाता है, बट इतना नहीं बनता कि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उसको अलग कर सके हम, ओके सो वी कैन हैव दीज फोर एलिमेंट्स इज फ्री स्टेट में मिल सकते हैं एटमोसफेयर में से, कौन कौन? गोल्ड, एजी, एयू, प्लेटिनम एंड कॉपर। सबसे पहली बात मिनरल की करते हैं, ओके कैसे मिलते हैं ये सब, ये ऐसे खुदाई करके, ओके सो मिनरल्स द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, या तो एलिमेंट्स मिले, कौन से एलिमेंट्स? फ्री एलिमेंट्स, कौन कौन? एजी, एयू, कॉपर एंड प्लेटिनम, और कंपाउंड्स मिल गए कि भाई ये जो थे हमारे कौन से, कॉपर, तो कॉपर फ्री भी मिल रहा है और कंपाउंड भी, कॉपर ऑक्साइड भी मिल रहा है, ओके कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड वो भी मिल रहा है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन दी अर्थ क्रस्ट, ओके उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स मतलब क्या? ऐसे एलिमेंट्स और ऐसे कंपाउंड्स वो नेचुरली ही मिलते हैं हमें अर्थ के क्रस्ट में से, मतलब अर्थ जमीन में से तुम खुदाई करोगे, डिगिंग करोगे तो नेचुरली हमें वो मिल जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स।
समझ में आया? मिनरल्स मतलब कि या तो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या तो कंपाउंड भी हो सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल बनाए हुए होने चाहिए नहीं। ओके जैसे कि हम आर्टिफिशियल है, अभी सपोज अपन मैग्नीशियम को जलाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो वैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं चाहिए, वैसा वाला नहीं चाहिए। समझ में आया? सो गई चलो, सो समझ में आ गया क्या मिनरल्स? अब नेक्स्ट देखते हैं ओर्स। सो एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल, मतलब कि कई जगह पर डिस्कवरी पे एक शो भी आता था, नाम में भूल गया, बट वो लोग गोल्ड माइनर्स ऐसा कुछ उनका नाम है, गोल्ड माइनर्स। ओके दो लोग थे थोड़े मोटे और ऐसा कुछ सा कुछ, हाँ ऐसा ही कुछ नाम था, एक्सपेंडेबल्स एक्सपेंडिज ऐसा ही कुछ नाम था। तो वो लोग क्या करते हैं कि गोल्ड ढूंढते हैं, गोल्ड क्या करते हैं ढूंढते हैं। केजीएफ की स्टोरी वैसी है ना कि नीचे जाकर खुदाई करेंगे तो क्यों खुदाई करेंगे, गोल्ड मिलेगा इसलिए। ओके सो है ओर्स मतलब क्या वो हम समझ रहे हैं। सम प्लेसेस कई जगह पर, देखो ऐसे मैंने पर्वत बनाया हुआ है और पर्वत की टॉप है, ओके माउंटेन टॉप, सो माउंटेन की टॉप पर हमें ऐसा ओर मिल गया है, माउंटेन की टॉप पर ऐसा समझो एवरेस्ट है, एवरेस्ट की टॉप पर गोल्ड पड़ा हुआ है। ओके अब तुम जाओगे या नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, क्यों? जा ही नहीं सकते जा ही नहीं सकते, मतलब उस तरीके से नहीं जा सकते कि तुम जाओ और वहां से सब कुछ ले करके मेटल ले करके नीचे आ जाओ। तुम पहले जाओ। ओके देखो, सो मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, मतलब एक मेटल का बहुत ज्यादा परसेंटेज वो जगह पर है, एंड कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, लेकिन है तो सही लेकिन प्रॉफिटेबली उसको क्या कर सके हम, एक्सट्रैक्ट कर सके। ऐसा ना हो कि तुम एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जाओ जहां पे बहुत ज्यादा मेटल्स है, गोल्ड है सपोज, तुम वो लेने के लिए गए तो वो लेने के लिए तुम सपोज व्हीकल्स लेके गए, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गए, वहां पर चलेगा नहीं इसलिए बहुत सारे लोग लेके गए, वो सारे लोग भी माउंटेनियर्स होने चाहिए क्योंकि एवरेस्ट चढ़ना है, ये सब तुमने खर्चा किया और वहां से तुम्हें गोल्ड मिला 50,000 रुपीज का, तो इट्स नॉट वर्दी। शायद एक दो जन मर भी गए, ओके हाँ, तो फिर ये वर्दी कहलाएगा नहीं। ओके तो वर्दी कब कहलाएगा, जब प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड कर सको तुम। तो वैसे मिनरल्स जिसको तुम प्रॉफिटेबली, मतलब तुम्हें इतना खर्चा नहीं हो रहा है जितनी उसकी कॉस्ट है, मतलब ऐसा समझो कि तुम कहीं से गोल्ड ढूंढ के ले आए, लेकिन गोल्ड कितना है, तो गोल्ड की कीमत है सपोज से 10,000 रुपीज, लेकिन वो ढूंढने के लिए तुमने 2 साल लगा दिए, तो तुम्हारे 2 साल का कुछ ना गिनो, सिर्फ टाइम गिनो ना, तो तुम्हारे 2 साल के टाइम की वैल्यू 10,000 रुपए थोड़ी है भाई। समझ में आया? तो वो प्रॉफिटेबली वर्दी होना चाहिए। ओके सो दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, तो मिनरल्स और ओर्स सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है, ओर्स हम उसे बोलेंगे जिसको प्रॉफिटेबली हम एक्सट्रैक्ट कर सके, और जिसको नहीं कर सकते वो सिंपली मिनरल्स, वो सब मिनरल्स में ही रहेंगे। दोनों है तो मिनरल्स ही, और मिनरल्स मतलब क्या, मिनरल्स मतलब से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो अर्थ क्रस्ट में से नेचुरली मिलते हैं उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। तो क्या उसको ही और बोल दे, उसको और हम बोल सकते हैं कब, जब हम उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सके तब। डन, समझ में आया? ओके सो उसके बाद थर्ड टर्म आता है गैंग। ओके गैंग, सो जी ए एन, क्या हो गई बैटरी, जी ए एन, बस अब ये इतना देख लेते हैं, जी ए एन जी यू गैंग। अब ओर मिल गया हमें, ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ आर कॉन्टामिनेटेड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, के भाई ये जो ओर मिले हैं हमें जिसका प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन किया हमने तो वो ओर बन गया, तो उसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज है, सॉइल लगा हुआ है, कुछ पानी कुछ ना कुछ लगा हुआ है, एनिमल्स का एक्सक्रीशन भी जुड़ा हुआ है, कहीं का गोबर लगा हुआ है, कुछ
कुछ भी ओके गंदा अच्छा सब कुछ जुड़ा हुआ है उसके साथ. सो नाउ यू हैव टू क्लीन इट. ओके सो दैट इम्प्यूरिटीज, वो जो इम्प्यूरिटीज है वही क्या है गैंट. इम्प्यूरिटीज सच एज सॉइल सैंड एक्सेट्रा, दीज इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड गैंट. तो ये इम्प्यूरिटीज को ही क्या बोला जाता है गैंट बोला जाता है. मतलब ये तीन कंसेप्ट वाइज समझो, नहीं तो आगे जाके हम उसका बहुत डिटेल्ड स्टडी देखने वाले हैं तो हम बोलेंगे ओर और मिनरल, तो कंफ्यूज मत हो जाएंगे. मिनरल्स मतलब क्या, मिनरल्स मतलब वैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो अर्थ क्रस्ट में से नेचुरली मिल जाते हो, दैट्स इट, वो मिनरल्स है. तो भाई ओर्स भी तो यही है. हाँ ओर्स भी यही है, बट कब हम उसको ओर्स बोल सकते हैं, जब उसका प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन हम कर सके. अगर फिर माउंट एवरेस्ट पे हिमालय पे सपोज से जहां हम जा नहीं सकते इजीली, वहां पे सपोज लैक्स ऑफ टन भी गोल्ड पड़ा हुआ हो तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है. क्यों? क्योंकि सपोज अभी ऐसा समझो कि लैक्स ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोलियम हमारी अर्थ क्रस्ट में है, पेट्रोलियम पेट्रोल है ऐसा समझो, बट हमें पता ही नहीं, या हमें पता भी है लेकिन हम इतना डीप है वो कि वहां तक हम जा ही नहीं सकते, हम वहां तक जा ही नहीं सकते. उतना टेम्परेचर विथस्टैंड कर सके अंदर वाला, वैसे कोई हमारे पास ऐसे लिफ्ट और ऐसा कुछ भी है नहीं. दैट मीन्स है तो सही, चीज है, एलिमेंट्स इज देयर, कंपाउंड इज देयर, बट हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ मिनरल्स ही है. ओके लेकिन जिसको हम अभी जो पेट्रोल हम निकाल रहे हैं नीचे से, अभी जो गोल्ड निकाल रहे हैं नीचे से, अभी जो कोल निकाल रहे हैं नीचे से, जितना भी ये सब निकाल रहे हैं वो सब किस में आएंगे, ओर्स में आएंगे. और ये जो ओर्स है उनके साथ बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटीज तो जो, ऐसा नहीं कि वह अच्छे से क्लीन चकाचक करके दिया हुआ है ओर, तो इम्प्यूरिटीज होगी उसके साथ, सॉइल होगा, सैंड होगी, ये वो कुछ भी लगा हुआ होगा. ओके सो कुछ भी लगा हुआ होगा, सैंड सॉइल एनिमल का एक्सक्रेशन वो जो सब लगा हुआ होगा. तो फिर कोई गैंग पूछे तो तुम एग्जाम में ऐसा तो है एनिमल का गू लगा हुआ होगा. ओके सो एग्जाम में ऐसा तो तुम लिखोगे नहीं. ओके कि इसको गैंग बोला जाता है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि गैंग मतलब क्या, कि जो इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल सैंड, वो इम्प्योरिटीज को कॉन्टामिनेटेड मतलब क्या, उसके साथ जुड़ा हुआ है, ज्वाइन कॉन्टामिनेटेड मतलब उसके साथ ही है. ओके तो उसको अलग करना पड़ेगा. एंड दिस इट, तो ये अच्छे से पढ़ना, नहीं तो फिर वहां ऐसे ही डेफिनेशन लिख दोगे तो नहीं चलेगा. ओके सो तो उसको बोलते हैं गैंग्स. और जो मेथड से ये एनिमल का गू और ये सब निकाला जाता है, वो मेथड को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स. ये सिलेबस में नहीं है. ओके लेकिन ये मेथड जिससे तुम ओर्स जिसमें इम्प्यूरिटी है उसमें से इम्प्यूरिटी निकाल रहे हो, वो मेथड को क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स. दैट इज नॉट इन दिस सिलेबस. ओके वो 11 12th में डिटेल्ड में आएगा अगर साइंस को से, तो नहीं है बट हम डिफरेंट वे में पढ़ेंगे. मतलब ये हमारा फ्लो चार्ट है, देखो ओर है, ओर के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब रिमूवल ऑफ गैंग्स. इसके लिए हमें पढ़ना नहीं है, हमें इसके लिए पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर. तो तुम्हारे पास ओर तो आ गया है, उसमें से मेटल कैसे निकाले वो प्रोसेस हमें पढ़नी है, लेकिन उसमें से इंप्यूरिटीज कैसे निकाली वो प्रोसेस हमें पढ़नी नहीं. अंडरस्टूड? कल देखेंगे. नहीं है, है, है. अरे हमने एक पेज मिस कर दिया. ये रहे, ये रहे. नहीं 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 ऐसा कहाँ बोला, वो छोटा पेज ये था तो जल्दी खत्म हो गया ऐसा बोला मैं, कि ये छोटा पेज था तो जल्दी खत्म हो गया. तो ये पेज रह गया आयनिक बॉन्ड, बट वेरी इजी, टुमारो वी विल सी. पहले हम यही कंप्लीट करेंगे अब, फिर आयनिक बॉन्ड देखेंगे. रुको रुको बात कर लेते.